नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक भारद्वाज, और मेरे साथ इंग्लैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज मोंटी पनेसर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स फैक्ट पे स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद हम आपको। बिल्कुल, अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 60 T20 खेले जाने हैं, लेकिन अभी बाबर आजम वापस से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जो कि एशिया कप के दौरान नहीं दिखाई दे रहे थे। तो विराट और बाबर के कंपेरिजन में अगर देखा जाए, एशिया कप में विराट का बल्ला चला, बाबर का बल्ला जो है खामोश था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में क्या देख रहे हैं? आई थिंक पहले आई थिंक थोड़ा अनफेयर है ना विराट कोहली पे ऊपर जी, आप बाबर आजम विराट कोहली कंपैरिजन कर रहे नहीं होना चाहिए। हैं। विराट कोहली ने कितने 10 सालों से वो लेवल का जी रखा ना, अभी बाबर आजम अभी शुरुआत हो रही है उसकी करियर की, एंड जब वो सेंचुरी भी मारते कंपेयर करते हैं आई थिंक अभी उस लेवल के अभी प्लेयर अभी नहीं है, बट पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है जी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, अब स्पिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए, हमने देखा रवि बिश्नोई को एक मौका मिला पाकिस्तान के खिलाफ, और बाबर आजम का विकेट भी उन्होंने निकाला, एक ब्रेक थ्रू दिलाया उन्होंने। इसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ना होना किस तरीके से देखते हैं स्पिन गेंदबाज के तौर पर? ऑल इंडिया का इतना कंपटीशन है स्पिनरों के, अश्विन काफ़ी अच्छा जी एक्सपीरियंस है एंड वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आई थिंक रविंदर जडेजा की इंजरी करके मे बी रवि बिश्नोई को चांस नहीं अभी मिला, बट अभी मौका अक्षर पटेल को भी है एंड ऑल्सो कुलदीप यादव अच्छे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, चहल के गेंदबाजी को लेकर भी लगातार बात हो रही है, चहल उस फॉर्म में नहीं गेंदबाजी कर पाए फिलहाल के लिए, क्या कुछ काम करना चाहिए उनको? नहीं, चहल की बॉलिंग अच्छी है, अभी वो अच्छे फॉर्म में है एंड वो कॉन्फिडेंट बॉलर हैं, जब कॉन्फिडेंस हाई होता है वो फिर जैसे लंबी फ्लाइट में पूरा भरोसा है कैसे डालना चाहिए एंड वही कॉन्फिडेंस में आई थिंक बॉलिंग उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी भारत को। तो एक सवाल जिस तरीके से लगातार ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर चल रहा है कि आखिर दोनों में बेस्ट कौन से प्लेयर हो सकते हैं, और ऋषभ पंत क्या डीके के जगह उनको चांसेस देना सही रहेगा? आप अपनी प्लेइंग 11 के हिसाब से किसे जाते हैं कि वो मौका ज्यादा मिले? आई थिंक वो डिपेंड करेगा जैसे कोच एंड कैप्टन उसको हैंडल कैसे करेंगे। ऋषभ पंत को ये पूछेंगे आप हाई रिस्क शॉट खेलना चाहते हो और लो रिस्क, टीम को बेस्ट क्या है टीम के लिए करना, एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, डाउन द विकेट लंबे छक्के जैसे मारते हैं ऐसे खेलें, फिर बाद में रिवर्स स्वीप करना। बट ये वो पहले ही 5 to 10 बॉल्स में रिवर्स स्वीप करके एक छक्का लगा फिर आउट हो गए, फिर मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक को खेलना चाहिए, दैट बी अ मच बेटर ओपिनियन ऑप्शन। पर प्रॉब्लम ये है दिनेश कार्तिक कब गेम को फिनिश करेगा, बिकॉज इतने मौके नहीं मिलते हैं। इंडियन फैंस सोचते थे दैट विराट कोहली कब फॉर्म में आएंगे, आई थिंक एशिया कप वॉज वंडरफुल फॉर हिम एंड आई थिंक द बिग क्वेश्चन मार्क यही होगा बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, अर्शदीप सिंह वो भी है, वो भी लेफ्ट आर्म का एक वेरिएशन है जैसे मिचेल स्टार्क का होता है, एंड बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या करनी चाहिए, अश्विन है अक्षर पटेल कैसे होना चाहिए, सो थोड़ा बॉलिंग कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा। पर आई थिंक स्ट्रेंथ इंडिया की तो यही है ना, विकेट्स क्रूशल टाइम स्पिनर लेना चाहिए एंड बैटिंग। आई थिंक भारत को ये सोचना चाहिए जो भी विकेट का स्कोर है वो ग्राउंड में आई थिंक 20 रन ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाहिए, then India will win very comfortably. Okay, एक सवाल हार्दिक पांड्या को लेकर लगातार ये हो रहा है कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग की, हालांकि उसके बाद मुकाबले में रन नहीं बना पाए और गेंदबाजी में भी कुछ खास नहीं करके दिखा पाए, लेकिन अगर बात की जाए T20 वर्ल्ड कप को लेकर तो क्या कुछ प्लानिंग रहेगी बाकी टीमों की, और हार्दिक पांड्या को किस तरीके से देखते हैं? हार्दिक पांड्या वन प्लेयर है ना वो एक्चुअली मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं, बैटिंग बहुत जरूरत पड़ेगी लास्ट 10-20 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 200 एंड बॉलिंग का मे भी एक दो ओवर होएगा, बट वो क्रूशल विकेट जब भारत को चाहिए कोई बड़े प्लेयर को, जब वो पे अच्छी फास्ट बॉल डालेंगे ऑन फास्ट बाउंसी पिचेस, आई थिंक वो आई थिंक उसका रोल होएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि विराट कोहली को बतौर ओपनर आप पसंद करते हैं नंबर 3 पे बल्लेबाजी, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा है कि हमारे पास अगर बैकअप ओपनर रोहित और केएल राहुल की जोड़ी अगर नहीं रहेगी तो विराट को मौका मिल सकता है, तो कैसे देखते हैं विराट को बतौर ओपनर या नंबर 3 पे ज्यादा सही है? Well, I think विराट को ओपनिंग करनी चाहिए, बिकॉज जब वो ओपनिंग करते हैं वो पावर प्ले का सिचुएशन अच्छा संभालते हैं, एंड देन लेटर ऑन वो मौका मिलेगा फिर भारत का अच्छा स्कोर करना, एंड सो इन माई ओपिनियन आई थिंक विराट कोहली मस्ट ओपन द बैटिंग।
ओके, तो ये थे हमारे साथ इंग्लैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज मॉन्टी बने सर, आप सबका स्पोर्ट्स फैक्ट देखने बहुत अच्छा हो गया।